जनवरी 1986 को फेमस बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण और ट्रैवल एजेंसी चलाने वाली उनकी वाइफ उज्ज्वला के घर एक स्टार का जन्म हुआ। स्टार को आज हम दीपिका पादुकोण के नाम से जानते हैं। अपनी टीनेज तक दीपिका ने अपने डैडी प्रकाश पादुकोण के फुटस्टेप्स फॉलो किए और बन गई नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर। लेकिन सुपर मॉडल बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए दीपिका ने अपने स्पोर्ट्स लव को बाय बाय कह दिया। अब दीपिका को जहां मॉडलिंग के कई ऑफर्स मिलने लगे थे, वहीं 2006 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या से अपना एक्टिंग डेब्यू भी किया। इसी बीच कई एड फिल्म्स और फैशन शोज के साथ दीपिका को हिमेश रेशमिया की एल्बम आपका सुरूर के एक गाने नाम है तेरा तेरा के म्यूजिक वीडियो में भी काम मिला। इस म्यूजिक वीडियो में जब कोरियोग्राफर से फिल्म मेकर बनी फारा खान ने दीपिका को देखा तो उन्हें अपनी नई फिल्म ओम शांति ओम की शांति मिल गई। दीपिका की ये पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिसमें उन्होंने डबल रोल प्ले किए, एक सुपरस्टार शांति प्रिया का और दूसरा स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस सैंडी का। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद दीपिका को न सिर्फ यशराज फिल्म जैसे बड़े बैनर की फिल्म बचना ए हसीनों में काम मिला बल्कि उनकी जिंदगी में प्यार ने भी दस्तक दी। हर तरफ दीपिका और रणबीर के प्यार के चर्चे होने लगे। हालांकि ये अफेयर ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया और दोनों अलग हो गए। हालांकि ये दोनों अब भी अच्छे दोस्त हैं और ब्रेकअप के बाद दोनों ने ये जवानी है दीवानी जैसी हिट फिल्म में भी काम किया। बचना ए हसीनों के बाद दीपिका ने चांदनी चौक टू चाइना और लव आजकल जैसी फिल्मों में अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ काम किया। जहां सैफ के साथ लव आजकल में दीपिका को काफी पसंद किया गया, वहीं चांदनी चौक टू चाइना लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई। इसके बाद दीपिका ने कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, हाउसफुल, लपंगी परिंदे, ब्रेक के बाद खेले हम जी जान से और आरक्षण जैसी फिल्मों में फरहान अख्तर, अक्षय कुमार, नील नितिन मुकेश, इमरान खान, अभिषेक बच्चन और सैफ अली खान जैसे बड़े स्टार्स की बड़ी फिल्मों में काम किया। लेकिन लंबे अरसे से जिस फिल्म का दीपिका को इंतजार था वो 2011 में देसी बॉयज की रिलीज के साथ खत्म हुआ और फिर रिलीज हुई दीपिका की फिल्म कॉकटेल। ये दीपिका के करियर का टर्निंग पॉइंट था। इस फिल्म में न सिर्फ दीपिका के कैरेक्टर वेरोनिका को सभी ने काफी पसंद किया बल्कि इस फिल्म के बाद तो दीपिका ने हिट पर हिट फिल्म्स की लाइन लगा दी। रेस 2, ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस, गोलियों की रासलीला रामलीला, फाइंडिंग पैनी, हैप्पी न्यू ईयर, पीकू, तमाशा और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों ने न सिर्फ बॉलीवुड पर नए रिकॉर्ड्स बनाए बल्कि दीपिका को बॉलीवुड की नंबर वन एक्ट्रेस बना दिया। इन फिल्मों के बीच दीपिका को सुपरस्टार रजनीकांत के साथ सदर्न फिल्म कोचरैया में भी स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। दीपिका के हिट और फ्लॉप फिल्म्स के बीच वाले फेज में दीपिका डिप्रेशन का भी शिकार हुई थी और इससे उबरने के बाद उन्होंने खुलकर ये बात एक्सेप्ट की कि उन्होंने डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करवाया था। फिलहाल दीपिका संजय लीला भंसाली की आने वाली एक और पीरियड फिल्म पद्मावती की शूटिंग में बिजी हैं। फिलहाल दीपिका को 14 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि इस दिन उनकी हॉलीवुड डेब्यू फिल्म XXX द रिटर्न ऑफ जेंडर केज रिलीज हो रही है। तो दीपिका के बर्थडे पर टीम इंडियन फिल्म हिस्ट्री उन्हें हैप्पी न्यू ईयर के साथ ही बहुत सी हैप्पीनेस, सक्सेस और गुड हेल्थ विश करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।